सर वो तो 99% वही है सर, इतना अच्छा करा है उन्होंने, इतने मंदिर बनवाए, इतने बढ़िया बढ़िया रोड बनवाए, इतनी फैसिलिटी है सर आज के टाइम में सर, पहले टाइम में देखते इतनी फैसिलिटी थी, लोग सिलेंडर लेने आते थे सर, एक एक दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता था। जहां एक और देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं इस बार का जो लोकसभा चुनाव बेहद ही खास है। जी हाँ, आपको बता दें फिलहाल देश में जो लोकसभा चुनाव के हैं वो 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, यानी कि 300 से ऊपर सीटों पर अब तक चुनाव हो चुका है। वहीं जो पांचवा और छठा जो चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो छठा चरण है वो हरियाणा यानी कि जो उत्तर भारत है उसमें इसकी वोटिंग ज़्यादा होगी। वहीं हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीट है उन पर मतदान 25 मई को होगा। वहीं आज हम मौजूद है आर्य कॉलेज में और हमारे साथ कुछ युवा छात्र मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुद्दे होने वाले हैं जो हरियाणा में आने वाले समय पे इनके लिए बहुत जरूरी है। हम आपका उदय नाम है सर। उदय जी, ये बताइए कि जैसे कि हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 25 तारीख को मतदान होगा, हाँ जी, तो लोकल मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? सर लोकल मुद्दे तो बहुत है सर, सारे लोग जो हैं वो मोदी के पक्ष में हैं, मोदी को वोट करेंगे क्योंकि मोदी ने सर इतना अच्छा काम करा है, लोगों को नौकरी मिली है, रोड ठीक बने हैं, साफ सफाई है सर इंडिया में, बहुत सारे लोग मोदी को ही वोट करेंगे सर। तो आपका कहना है कि जो मोदी है उन्होंने काम किया, यानी काम के आधार पर मोदी को वोट देगी, तो उसमें जो एक राम मंदिर का फैक्टर वो कितना रहने वाला है? बहुत है सर, वो तो 99% वही है सर, इतना अच्छा करा है उन्होंने, इतने मंदिर बनवाए, इतने बढ़िया बढ़िया रोड बनवाए, इतनी फैसिलिटी है सर आज के टाइम में सर, पहले टाइम में देखते इतनी फैसिलिटी थी, लोग सिलेंडर लेने जाते थे सर, एक एक दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता था, आज रात को ऑर्डर करें सवेरे सिलेंडर घर पर आ जाता है। यानी कि आप जो उनकी नीतियाँ हैं उनके काम काज है उससे बहुत खुश है। अब बात हम कर लेते हैं कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, करनाल में जो प्रत्याशी हैं, आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, उनको इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर करनाल से टिकट दिया गया है भाजपा की ओर से। वहीं दूसरी ओर एक युवा चेहरा यानी कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल में इस बार कांग्रेस ने उतारा है। क्या लगता है कि जो खट्टर है वो कितने मार्जिन से जीतने जा रहे हैं या कुछ उलटफेर हो सकता है? जो मर्जी कर लो सर, जीतेगा तो खट्टर ही, यानी जीतेगा तो खट्टर ही। तो उसका नाम तुषार। तुषार जी, ये बताइए कि मेरा मुद्दा साधारण से है, लोकल मुद्दे क्या होंगे? एक तो करप्शन नहीं होना चाहिए भाई, राज्य में करप्शन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, आप बेरोजगारी को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? बेरोजगारी मुद्दा है आज के टाइम में, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी वैसे तो पहले मिलती नहीं थी, अब बीजेपी के में मिलने लग गई है, कांग्रेस में बिल्कुल भी नौकरी नहीं थी पहले, जो भी लगते थे पैसे देकर लगते थे, अब जो बच्चा पढ़ता है वही लगता है। यानी कि वही खर्ची पर्ची वाली नीति? हाँ पहले थी वो, अब नहीं है ना। अब नहीं है? हाँ जी। तो युवा यानी कि जो युवा के आपने जो मत जाने, इनका सीधा कहना है कि जो मोदी सरकार है उसके कामों से ये कहीं ना कहीं संतुष्ट है, लेकिन अभी तो ये देखना होगा कि जो 25 तारीख को मतदान होगा उसमें कितना असर देखने को इसका मिलेगा, क्योंकि सामने भी विपक्ष मजबूत है, हरियाणा में कई जगह बीजेपी का विरोध भी देखा जा सकता है। वहीं आपको यह भी बताता चलूँ कि आज 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बड़ी जनसभा यानी रैलियाँ संबोधित करने जा रहे हैं, उनकी जो पहली रैली है वो अंबाड़ा में होगी, वहीं दूसरी रैली सोनीपत में होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए एसीपी नेटवर्क, कैमरामैन तुषार के साथ मैं उस्मान खान, एसीपी नेटवर्क पानीपत।